नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। एक दिन की छुट्टी के बाद जब लौटे तो आज एशियन बाजार पॉजिटिव थे। शुरुआती सत्र में इंडिकेशन थी कि तेज खुलेंगे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में तो सपाट बंद हुए थे निचले स्तरों से रिकवर होकर, लेकिन उससे पहले के सेशन में यानी कि मंगलवार के सत्र में 3% की तेजी अमेरिकन मार्केट में बन गई थी। अमेरिकन मार्केट्स में तेजी बनी थी निचले स्तरों से, जहां पर सबसे ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है वहां पर तेजी बनी थी मंगलवार के सत्र में। तो आज इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग पॉजिटिव एक्सपेक्टेड थी। पॉजिटिव क्या, 105 अंकों के गैप अप के साथ आज के सत्र में ओपनिंग हो गई। तो जो पिछले कुछ दिनों की रैली बनी है इंडियन मार्केट्स में वो और कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही थी। 17,379 ये लेवल था जो आज निफ्टी ने ओपनिंग में ही हासिल किया। उसके बाद तेजी और बढ़ गई और एक बार 153 अंकों की बढ़त निफ्टी शो कर रहा था, 17,428 के लेवल तक पहुंचे थे। लेकिन ये सब एक्शन शुरुआती 15 मिनट का था। उसके बाद जो उठापटक शुरू हुई, क्योंकि बुल्स और बियर्स के बीच में हो गई लड़ाई आज। आज था वीकली एक्सपायरी वाला दिन और ऊपरी स्तरों पर निकलने नहीं दे रहे थे बियर्स। 17,400 के लेवल पे अटका रहे थे बार बार जाके और नीचे हिम्मत कर रहे थे बुल्स किसी ना किसी तरीके से दोबारा से इस लेवल को कॉन्कर करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था और अंत में जाते जाते सरेंडर कर दिया। 17,331 के लेवल पे आज के दिन की क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, 57 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़कर। निफ्टी बैंक 172 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है और सेंसेक्स 156 अंकों की दौड़ लगाता हुआ नजर आया। अच्छा, लेकिन इस प्राइस एक्शन को आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए। निफ्टी का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले आज के दिन का ही चार्ट समझिए, जो वर्टिकल ब्लू लाइन है उसके राइट वाला हिस्सा आज का ही चार्ट है। और शुरुआती 15 मिनट में जो एक्शन हुआ है गैप अप के बाद, तगड़ा गैप अप था 105 अंकों का। उसके बाद 17,428 तक भी पहुंचे थे, लेकिन शुरुआती 15 मिनट का ही एक्शन था। उसके बाद दिन भर कोशिश कर रहे थे 17,400 के लेवल को हथिया लें बुल्स, बहुत कोशिश कर रहे थे, 3 बार अटेम्प्ट कर डाला लेकिन नहीं हो पाया। 17,400 एक हर्डल बन गया। ऊपरी स्तरों पर जाते जाते मुनाफा वसूली हुई है और ये वीकली एक्सपायरी वाले दिन बहुत तगड़ी लड़ाई बुल्स और बियर्स के बीच में आज के सत्र में आती हुई नजर आई। लेकिन इस चार्ट को थोड़ा और जूम करके देखते हैं, और 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन ये एक्शन है पिछले कुछ दिनों का। इनफैक्ट आप देखिए कि लगातार चढ़ता स्ट्रक्चर है, अभी तक तो कोई तनाव है नहीं। और ये प्री रिजल्ट बाइंग मैं कहूंगा कि इस समय मार्केट में होती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा कि हर बार एक अच्छी रैली बनती है मार्केट में, और आज के सत्र में भी एक अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हो गई क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है। 16,747 से लेकर हम दौड़ना शुरू हुए हैं तो 17,428 तक पहुंच गए हैं कुछ ही दिनों में, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे डेफिनेटली आती हुई नजर आए। डरने घबराने की जरूरत है नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है तो अपनी पोजिशन को होल्ड कर सकते हो, लेकिन एडवांस डिक्लाइंस आज बिल्कुल इनडिसीजन वाली मार्केट हो गई क्योंकि वीकली एक्सपायरी वाला दिन था। तो 27 शेयर्स आज के सत्र में चढ़ने वाले निफ्टी के और 23 शेयर्स आज के सत्र में गिरने वाले हैं। लेकिन जो चढ़ा उसमें आज मेटल्स, क्या जबरदस्त चाल थी। JSW स्टील टॉप गेनर है निफ्टी का, लगभग 5% की छलांग लगा गया। कोल इंडिया लगभग 4.5% चढ़ा है, हिंडालको 4.5% चढ़ा है, टाटा स्टील 2% ज्यादा चढ़ गया, और एक स्टॉक था कैपिटल गुड्स में LNT जो बहुत सपोर्ट कर रहा था, 2% की तेजी यहां पर। जो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हुई है उसमें भारती एयरटेल रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचने के बाद ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली और आज 2.5% क्लोज टू क्लोज हल्का होता हुआ नजर आया स्टॉक। HUL 2% लुढ़क गया, HDFC 1.5% साफ हुआ और साथ साथ इंडसइंड बैंक, डिविस लैब जैसे स्ट्रक्चर्स में आज प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली विजिबल थी। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स दिखाई देंगे आपको। सबसे पहले इंडेक्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग था आज। वेल्सपन कॉप 7.5%, JSW स्टील 5%, वेदांता लगभग 5% चढ़ा है, हिंद जिंक 4.5% चढ़ा और हिंडालको 4.5% चढ़ता हुआ नजर आया। स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील सब तेज थे। रियल्टी, फिनिक्स लिमिटेड, सोभा, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज 1.5% से लगभग 3% चढ़ते हुए नजर आए। मीडिया में एक स्टॉक लाइमलाइट में था, वो था जी एंटरटेनमेंट, और सोनी के साथ जी के मर्जर को मंजूरी दी है CCI ने कुछ शर्तों के साथ। उसका इंपैक्ट शुरुआती सत्र में ही पड़ गया था इस स्टॉक में, लेकिन जी क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 4.5% मजबूत हुआ है। नजारा 6% चढ़ा है, PVR 2.5% ऊपर बंद हुआ, हैथवे और साथ साथ आइनॉक्स लेजर जैसे स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। IT स्टॉक्स, रिजल्ट सीजन ऑन हो रहा है और सबसे पहले रिजल्ट्स जो कवर हो रहे हैं वो IT सेक्टर के ही होंगे, बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स। उससे पहले कुछ एक्शन तेजी की ओर बढ़ा है जिसमें कोफोर्ज, एम्फेसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आज हरकत तेज थी। सरकारी बैंक्स में परसेंटेज के लिहाज से कोई बहुत शार्प रिटर्न नहीं थे, लेकिन संभल रहे थे स्टॉक्स। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, SBI जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी। और ऑटोज एक स्टॉक तेज था, भारत फोर्ज, क्योंकि एक तो हैवी वॉल्यूम्स और ऊपर से क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री US में अच्छे आंकड़े पोस्ट किए हैं सितंबर महीने के, उसका एक इंपैक्ट पड़ गया। भारत फोर्ज बहुत जबरदस्त दौड़ लगा गया आज के सत्र में, 8% ऊपर था। इसके अलावा TVS मोटर 4% ऊपर, टाटा मोटर्स, सोना कॉमस्टार और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में एक्शन हल्की तेजी की ओर बढ़ता हुआ नजर आया।
जो नहीं चले वो थे एफएमसीजी, ऑलरेडी ही बहुत तेज हो चुके हैं। लेकिन आज एक स्टॉक लाइमलाइट में था, वो था गोदरेज कंज्यूमर। क्वार्टर टू जो अपडेट आता है एक्सचेंजेस पे, उसमें गोदरेज कंज्यूमर ने बोल दिया कि सेल्स तो बेहतर रहेगी, बेहतर क्या, मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है सेल्स में क्वार्टर टू में, लेकिन एबिट्टा में गिरावट देखने को मिल सकती है, कामकाजी मुनाफे में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उसका एक इंपैक्ट नेगेटिव पड़ गया स्टॉक पे आज, गोदरेज कंज्यूमर 4.5% टूट गया। एचयूएल कोलगेट जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला, डाबर भी कमजोर था। वायदा कारोबार में देखोगे तो आपको भारत 4G नजर आएगा नंबर वन पे 8% ऊपर, ये परसिस्टेंट आज तेज हुआ 7.5%। इंडिया सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और मदरसन, इन स्टॉक्स में लगभग 5.25% से 6.5% रिटर्न डिलीवर हुए हैं। लेकिन लूजर्स में आज गोदरेज कंज्यूमर, इसने मूड खराब कर दिया वैसे आज एफएमसीजी सेक्टर का। और साथ साथ फार्मा स्टॉक्स में आज के सत्र में मुनाफा वसूली हुई है, जिसमें ल्यूपिन, बायोकॉन, ग्रैन्यूल्स, ये स्टॉक 2% से 2.5% टूटे हैं। और एफएनओ में आज एक और स्टॉक कमजोर था, भारती एयरटेल, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आई। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी हो गई, देखिए बाजार में इस समय स्ट्रेंथ साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है, और कैचअप प्ले मिड कैप में बहुत जोर शोर से है। और उसमें एक स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आज लगभग 13% की छलांग थी। इसके अलावा एचईजी लगभग 11% चढ़ा है, एचसीसी लगभग 10% चढ़ा, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 9.7% 10% के आसपास चढ़ा है, किटेक्स लगभग 9% चढ़ा है, यानी कि टेक्सटाइल शेयर्स लाइमलाइट में थे। इसके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 9% तेज हुआ, स्पाइस जेट जैसा स्टॉक आज 9% तेज था, डिशमैन कार्बोजन इस स्टॉक में स्ट्रेंथ थी। अच्छा, गार्डन रीच, मिधानी, ये तो, और मैसडॉक, ये तो खैर सेक्टर ही बहुत फ्लेवर में है इस समय। डिफेंस से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो तगड़ी चाल पकड़े हुए हैं, स्टॉक्स में 6.5% से 8% के करीब के रिटर्न डिलीवर हुए हैं। और प्राज इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जहां पर 7% की चढ़ाई एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन पर बनती हुई नजर आई। लेकिन आज का चार्ट ऑफ द डे मिड कैप स्पेस से ही है, वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। जैसे मैंने कहा कि टेक्सटाइल शेयर्स में आज के सत्र में जोश ज्यादा दिखाई दे रहा था, उसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स निचले स्तरों से बहुत तगड़ी खरीदारी, ये निचले स्तरों से सपोर्ट लेवल से स्टॉक में खरीदारी आई है। और चार्ट है आपकी स्क्रीन पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का, इसमें इंपॉर्टेंट लेवल था 380 से लेकर 385 का, उसको शुरुआती टिक्स में ही इसने पार कर लिया। और वॉल्यूम देखिए, जैसे ही बाजार खुला वैसे ही स्टॉक पे एकदम से एक्शन जो है बहुत स्ट्रांग हुआ। प्रीवियस क्लोज था 370 रुपए 50 पैसे, ओपन हुआ 366 रुपए 50 पैसे, और लो लगा है 363.8। लेकिन ये शुरुआती जो चीजें थी, ये शुरुआती 15 मिनट में ही बच गई, उसके बाद तो तेजी जो पकड़ी तो सीधा 363.8 से बढ़ता बढ़ता 412.50, बहुत स्ट्रांग स्ट्रेच। और साथ साथ क्लोज हुआ है 406.35 रुपए पे, कुल मिलाकर लगभग 10% के रिटर्न, और वो भी वॉल्यूम्स के साथ, तो अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी। 400 के लेवल को आसानी से आज के सत्र में टाप गया है स्टॉक। इसके अलावा आईपीओ अपडेट, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का आईपीओ कल बंद हो जाएगा, और अभी तक के सब्सक्रिप्शन फिगर्स तगड़े हैं, 7.57 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 56 से 59 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है, जिसके जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपए जुटा रही है। अब आगे क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के पास अर्निंग्स ही है, अर्निंग सीजन ऑन होने वाला है, बड़ी कंपनियों के नतीजे ट्रैक होंगे, और जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे बाजार उनको रिवॉर्ड देगा, जिनके अच्छे नहीं आएंगे उनको पनिश भी करेगा। इंडियन मार्केट्स ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स यानी यूएस मार्केट्स भी इस समय अर्निंग सीजन के चलते ही निचले स्तरों से पलटती हुई नजर आ रही है आपको, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए अभी डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, ओपेक प्लस मेंबर्स ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया, 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आउटपुट में कटौती करने का फैसला। अब अनुमान था कि 10 लाख बैरल कटौती होगी प्रतिदिन की, लेकिन 20 लाख बैरल होगी, और इससे तनाव बढ़ गया है। अमेरिका नहीं चाहता था ये तेल में प्रोडक्शन में कटौती हो, अब हो सकता है कि अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से ऑयल आउटपुट बढ़ाता हुआ नजर आए, ऑयल सप्लाई बढ़ाता हुआ नजर आए। लेकिन जानकारों के मुताबिक यहां से कच्चे तेल की कीमतें हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाएं, $100 तक का अनुमान लगाकर चल रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में। तो देखते हैं कि कच्चे तेल में क्या खेल होता है, लेकिन एक बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ सकता है इंडियन मार्केट्स पे। तो अभी के हिसाब से टेक्निकल चेक अगर आप देखो, आज मार्केट ने अटेम्प्ट तो किया था 17,400 के लेवल के ऊपर निकलने का, लेकिन टिक नहीं पाए। तो अभी 17,450 ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल एक मार्केट के लिए है, और निचले स्तरों पे डेफिनेटली मार्केट में खरीदारी बनती हुई नजर आएगी। आज वीकली एक्सपायरी थी तो राइटर्स एक्टिव थे, ऊपरी स्तरों पे कॉल राइटिंग ज्यादा देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों पे 17,150 से लेकर 17,200 बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक सपोर्ट है इंडियन मार्केट्स के लिए। वहां पर जाएगा मार्केट तो हो सकता है वहां से खरीदारी होती हुई नजर आए, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, नीचे 17,150 से 17,200 और ऊपर 17,450 से 17,500, और अभी थ्रस्ट ऊपर की ओर है। तो बेहतर तरीका ये कि निचले स्तरों पे जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है तो निचले स्तरों पे खरीदारी के बारे में ही सोचे। बाय एंड डिप्स की रणनीति अच्छा काम कर सकती है इंडियन मार्केट्स पे, और ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिल गया, अर्निंग सीजन अगर अच्छा निकला तो यहाँ से और बेहतर चाल पकड़ सकते हैं।